हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सभी लोग। सो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज का क्वेश्चन है 15th नंबर ऑफ सैंपल पेपर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया गया कि एक क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट, मतलब जो बेस का जो एरिया ना वो पी स्क्वायर यूनिट है। तो ये आ गया अपना फर्स्ट में बेस, ठीक है। तो बेस का अपन इसको मान लेते, सपोज ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू पी स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने को गिवन है। तो ये हो गया पी स्क्वायर यूनिट, ओके। अब यहाँ पे आके दिया गया कि ए स्फेयर ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट, ये स्फेयर जो है इसका वॉल्यूम अपने को दिया गया है आर क्यूबिक यूनिट, ठीक है, इसका दिया हुआ अपने को ये वॉल्यूम। इज ड्रॉप्ड इनटू द क्यूबॉइड सच दैट इट इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबमर्ज्ड स्फेयर इज शोन बिलो, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिया गया है रिप्रेजेंटेशन, सो विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द वाटर। तो अभी देखो यहाँ पे जब वाटर पानी के अंदर इसको डाला अपन ने, तो इस क्यूबॉइड में डालने पर इसकी वॉल्यूम में कितना पानी जो है वो इंक्रीज हुआ, कितनी हाइट जो है वो इंक्रीज हुई, ये अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो देखो सपोज मान ले, अपन मान लेते कि जो पहले जो हाइट थी ना वो सपोज थी क्यू, ठीक है, वो अपने को दी हुई है क्यू यूनिट पहले, तो क्यू यूनिट तक भरा हुआ था और इसको ड्रॉप करने के बाद में एच हाइट तक ये बढ़ गया, ठीक है, एच हाइट तक बढ़ गया। तो अभी एच हाइट तक बढ़ा तो जो वॉल्यूम जो बढ़ी वो सपोज पानी इस ये पहले जो ड्रॉ करी हुई वो अपन ने मान ली और ये जो है पहले वाली थी, बट इसको डालने के बाद में ये इतना और बढ़ गया, ठीक है, तो एच यूनिट जो है वो बढ़ गई। तो अभी देखो ये यहाँ पर जो बेस रहेगा इस बेस एरिया का जो जो उसका जो वॉल्यूम होगा वो जो स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस एरिया रहेगा उसका तो बेस एरिया वो सेम ही रहेगा पी स्क्वायर यूनिट, ठीक है, बट जो वॉल्यूम जो हो जाएगा जो बढ़ने वाले का जो बड़ा उसका वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हाइट अपन ने एच मान ली जो कि बड़ा वो, ठीक है, और जो कि अपने को दे रखा है आर क्यूबिक यूनिट, तो इसको अपन लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ पी स्क्वायर यूनिट, और जो बड़ा वो है एच, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो आ गया ये वाला एल, ये वाला बी, और जो हाइट बड़ी वो, तो ये जो वॉल्यूम जो बड़ी वो वाली वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, जो कि बड़ी वो वाली, ठीक है, पुरानी वाली नहीं, क्यू को अपन छोड़ दो यहीं पे, क्यू को अपने को यहाँ पे याद नहीं करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है, तो अभी अपन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हाइट जो बड़ी जो हाइट है वो वाली है ये, वो हो जाएगा इक्वल टू आर क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है स्फीयर की और जो बड़ी जो वॉल्यूम है वो दोनों बराबर रहेगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू है पी स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू आर, तो जो हाइट जो है वो हो जाएगी हाइट इज इक्वल टू आर अपॉन पी यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में एच का वैल्यू, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से कोई डाउट कोई भी क्वेरी आपको हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, जो भी हाइट इसमें इंक्रीज हुई थी, सपोज़ ये अपना क्यूबॉइड है, इसमें पहले वॉल्यूम इतना था, क्यूब ये स्फीयर डालने के बाद में इसमें वॉल्यूम जो है इतना बढ़ गया। अब जो अपने को अब देखो कोई भी जो क्यूबॉइड होता है उसका एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है। अब अपने को क्या बोल दिया कि जो बेस एरिया जिसका वॉल्यूम जो एरिया है ना बेस एरिया वो अपने पास में है पी स्क्वायर यूनिट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ की जो वैल्यू है वो अपने पास में पी हो गई, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पी इंटू एच, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी अपने को बोला कि क्यू यूनिट तक बराबर है, बट इसके अंदर स्फीयर डालने के बाद में कुछ हाइट बढ़ जाती है, तो कितनी हाइट बढ़ी इसको अपने को उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मान लिया अपन ने कि एच फॉर्म में बढ़ी, ठीक है, इस एच को हटा देना, ठीक है, तो अपन ने इस एच यूनिट जो है वो बढ़ गई, तो जो बढ़ी वो वॉल्यूम और जो स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो बराबर होगी, क्योंकि स्फीयर डालने से ही वो वॉल्यूम बढ़ी है, तो जो स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो अपने को दे रखी है आर क्यूबिक यूनिट। तो ये जो होगी देखो यहाँ पर भी बेस रहेगा उस पानी का ऊपर में इस जगह पे, तो वो बेस तो सेम ही रहेगा एल इंटू बी, ठीक है, बट हाइट जो है वो बढ़ेगी एच, तो वो एरिया कितना उसका वॉल्यूम कितना जाएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई जो हाइट बढ़ी वो यस ओ नो जो कि अपन ने एच मानी है, तो इक्वल टू हो जाएगी आर, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू अपने को दे रही है पी, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एच, ठीक है, सो एच इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई पी यूनिट। ओके स्टूडेंट,
सो होप्स आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो इसमें से तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9982435001 इस व्हाट्सअप नंबर पे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।